सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पीडी लियो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। सो गाइस आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग शूट कर रहे हैं आरडी का पार्ट 4 एंड आज आप लोग को बहुत कुछ स्पेशल चीज़ देखने मिलेगा लाइक द डबल डिस्क एंड और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। पीछे आप लोग देख सकते हैं मैक्सिल भाई है ही, तो अभी उनसे जाके मिलते हैं एंड पता करेंगे कि क्या क्या गाड़ी में कारस्तानी किया उन्होंने लास्ट के 2-3 महीने में। सो हियर इज द मैन, द वन एंड ओनली, द सिंपल बॉय, जस्ट अभी अभी बाल काट के आए हैं शूट के लिए ऐसा कुछ तो ब्रदर दैट इज योर बिलवड आरडी 350 350। सो बी द ऑनर एंड टेल अस क्या क्या इसमें तुमने कारस्तानी किया है फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स। फिलहाल तो प्रोग्रेस ऐसा है कि आप लोग अभी एकदम एविडेंट जो चीज़ है आपको तो सामने दिख ही रहा है। या डबल डिस्क, या द शो स्टॉपर, द वन एंड ओनली, जो भी आके देख रहा है गाड़ी को सबसे पहले ये देख रहा है स्टार प्लस में नहीं क्या सास बहू का सीन्स बार बार उसके ऊपर जूम करता है। तो ये है डबल डिस्क एंड हम लोग बॉम्बे से जब भी गाड़ी को लेकर आ रहे थे तभी तो थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया था, लेकिन प्रॉपर टेक्निकल डिटेल्स भाई को मालूम है। सो कौन सा कैलिपर्स है, कौन सा होज है, फिर उसमें फोक्स कौन सा है, डिस्क कौन सा है, सब भाई बताएंगे। सब बताएंगे। टाइम बहुत है अपने पास। कट। तो सबसे पहला तो डिस्प्ले के लिए कितना मगजमारी किया तुमको, बहुत ज़्यादा। ये डिस्प्ले है बेनेली का एक मॉडल है, अभी वो तुमको मालूम है बेनेली TNT है। तो अभी वो डिसकंटिन्यू हो गया मॉडल, वो अभी मेरे को बस ये डिस्प्ले चाहिए था, पेटल डिस्क चाहिए था और इम्पोर्टेड डिस्प्ले लेने जा रहा हूँ तो कम से कम मेरे को 20,000 रुपये का सिर्फ डिस्प्ले पड़ रहा है। ओ माय, तो ये एकदम ग्रैब डील में अपने को मिला है डिस्प्ले। ओके, प्राइस तो तुमको मालूम ही है। एग्जैक्टली, तो वो ये डिस्प्ले समझ लो एट लेसर देन हाफ द कॉस्ट अपने को मिली है। तो वो डिस्प्लेट्स का हो गया। अभी कैलिपर्स अपन ने कैलिपर्स भी कैसा सोर्स किया है वो तो तुमको भी मालूम है, टोकिको का कैलिपर्स है, मेड इन जापान, मेड इन जैप्स, सिंगल पिस्टन है। अभी वो कैसे समझते अपने को, ये जो है ये इसके अंदर पिस्टन रहता है एंड अगर दो रहा तो डबल पिस्टन, सिंगल है तो सिंगल। डबल पिस्टन भी है अपने पास, वो भी तुमको दिखाया मैंने, याद है क्या? बराबर, हाँ। एंड हाँ ठीक है, ये सब सामान अपने को अपने एक बहुत बिलवड फ्रेंड ने दिया है, उसका भी गाड़ी तोड़फोड़ है, बहुत नेक्स्ट लेवल गाड़ी है उसका। ये सब सामान का वही है, सोर्स करना जितना मुश्किल है उतना ही उसको R&D करके उतना बिठाना भी बहुत मुश्किल है, तो वो भी एक चीज़ देखना पड़ता है। तो आप लोग अगर जैसा देख रहे ना, ये ब्रैकेट्स बनवा के लिए है मैंने। बराबर, एंड ये वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं, टिक वेल्डिंग बोलते हैं? ये आर्गन वेल्डिंग है। ओके, टिक वेल्डिंग इज अ लिटिल डिफरेंट देन दिस। ओके, ये इसको एग्जैक्टली टिक वेल्डिंग नहीं बोलेंगे बिकॉज देन इसका जो करने का स्ट्रक्चर है वो अलग है और हिसाब किताब जो करने का है वो अलग है। अच्छा। और टिक वेल्डिंग का जो करने का हिसाब किताब है वो अलग है। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने ये वाला जो हब था, हब को भी उसका होल्स भर के भी उसको हम लोग ने फिर ये जो हब है ना, हाँ, ये एल्यूमिनियम हब है और ये मेरे ख्याल से FZR 400 ऐसा कुछ तो एक मॉडल है उसका। अच्छा, उसका इम्पोर्टेड मॉडल है बाहर का ये, उसका हब है। इसमें था 40 होल तो अपन ने उसको एक अपना दोस्त है आर्गन वेल्डिंग वाला उस बंदे के पास लेके गए, उसके पास पूरा जितना भी 40 होल है सबको एक एक करके स्पेसिफिकली भरा था, एकदम प्रिसाइसली भरा उसने। और उस दिन मैं भी था, मैं भी गया था, उसको टाइम लगा था, अच्छा पता ही है। बराबर, तो उस वो खाली भरने को अपने को 45 मिनट्स गए। बराबर, वो भी सिर्फ एक हब। उसके बाद उसको लेथ वाले के पास लेके जाके फेसिंग करके उसका प्रॉपर मेजरमेंट, फेसिंग बोलेगा तो मतलब उसको स्मूथ करने का नहीं। अच्छा। उसका जो ऊपर का जो अभी कैसा तुमको बताऊं, ऊपर ना उसका भरने के बाद है ना सब्सटेंस रिमेन हो गया था। अच्छा, तो वो सब्सटेंस जो एक्स्ट्रा था वो उसको निकालने के लिए और ऐसा होल करने के लिए अपने को उसको फेस करना पड़ा। बराबर, फेस एज इन जो उसका ऊपर का लेयर है उसको उड़ाने का। करेक्ट, रंधा मारने जैसा, लकड़ी पर रंधा मारने जैसा। तो वो फेस करने के बाद ऐसा प्लेन हो जाता है। बराबर, वो प्लेन होने के बाद उसके ऊपर पूरा मार्किंग लेके एक एक स्पॉट का एग्जैक्टली किधर स्पोक आएगा, बिकॉज तुमको तो मालूम है भाई कि वो स्पोक्स बनाने के लिए जो कंपनी वाले लोग हैं उन लोग का एक मशीन रहता है,
सेट ऐसा फिट होता है उसको बराबर, हाँ। फिट होके सेट होके फिर वो डायरेक्ट जितना एग्जैक्ट होल है उतना exactly. और वो कैसे हब के ऊपर ऐसा बैठता है तो उसमें एक होल का इधर एक थाव भी इधर उधर नहीं होता बराबर बराबर। अपना कैसा है एकदम अपन ने प्रिसाइसली मशीन से लेके सीएनसी में इसका काम करवाया इसके लिए अपना जाके इतना प्रिसाइसली काम हुआ है। प्रिसाइस काम करने का वही है सोर्स करना बहुत मुश्किल है ऐसा लोग जो एग्जैक्टली वो परफेक्ट काम कर सकते हैं नहीं तो थूक पट्टी तो बहुत लोग कर सकते हैं भाई काम तो भाई मजा आ गया कसम से। तो वही आप लोग देख ही सकते हैं कितना जबरदस्त काम हुआ है नो वॉबलिंग नो आड़ा टेढ़ा कुछ भी एकदम परफेक्टली बोलते ना एकदम डेड फिट एकदम डेड फिट मेरे भाषा में एकदम चॉकलेट काम हुआ है। तो एंड मैक्सिल भाई सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा था इसका ये जैपनीज में देख के तो तुमको तो मालूम है अभी आजकल के टाइम में टू स्ट्रोक में जैपनीज कोई भी पार्ट में आ गया तो लोग कितना उतावला हो जाता है तो ये जरा बताओ कि ये पीस क्या है। नहीं नहीं तो हाँ। ये ऐसा है कि ये है RD 400 या तो RD 350 LC का। ओके ओ ये दोनों मॉडल्स में से एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट झूठ क्या बोलने का अपने But, कोई बंधु लोग रहेंगे जरा बता दो कि एग्जैक्टली कौन सा बाइक का हो सकता है। RZ मैंने जहां RZ 350 भी एक बाइक है RZ 350 में मैंने देखा था ये अच्छा बिकॉज हमारे एक जान पहचान के फ्रेंड के पास है वो गाड़ी और उसमें लगा हुआ है ये चीज़। ओके बट जहाँ तक कि मेरे को पता है ना ये 3-4 अलग अलग मॉडल्स में लग के आता था कंपनी अच्छा, से अच्छा तो बट रिगार्डलेस ये अपने को मिला बहुत काफ़ी अच्छे कंडीशन में अच्छा। इसका जो MC किट है वो ब्रांड न्यू है। ओके और बंदे से जिससे मैंने लिया है उसने मेरे को एकदम मतलब स्टील प्राइस में दी। ओके इसका प्राइस मैं रिवील कर सकता हूँ ये मैंने 3500 में लिया था एक दोस्त से। फिर भी बहुत अच्छा प्राइस में मिल गया कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ये बाहर का पीस है। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट पीपल आस्क से व्हाट 10-12,000 रुपीस फॉर दिस स्टफ। वाओ बीइंग वेरी ऑनेस्ट और फिर उसमें बार्गेनिंग करना पड़ता है। हाँ बार्गेनिंग तो ठीक है चलो बट देन देयर आर पीपल के मतलब चाहिए तो लो नहीं तो मतलब एग्जैक्टली वो एंटरटेन नहीं करते वैसा वाला हिसाब हो गया। दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली एंड देन ये सोर्स करना बाहर से एनालिसिस इज प्रीटी डिफिकल्ट बहुत। हाँ सोर्सेस चाहिए वैसा फिर कोई रहेगा। फ्रेंड ने भी मेरे को एक दिया हुआ है बट उसका थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सा नॉट दैट ग्रेट अभी इसको सिर्फ मेरे को पेंट करना है। ओके हाँ उसको मैं सैंड ब्लास्ट करके इसको पेंट कर दूंगा तो वो सही हो जाएगा अभी बट अभी सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस भी ऐसा है इसका मेरे को पूरा लेंस वेंस सब निकालना पड़ेगा सब निकाल के पूरा मतलब उसको हर जगह पे सैंड ब्लास्ट नहीं कर सकता अंदर के सरफ नहीं कर सकता सैंड ब्लास्ट सिर्फ ऊपर का और इसमें भी सैंड ब्लास्ट एग्जैक्टली नहीं होगा इसको ग्लास बीड ब्लास्टिंग करना पड़ेगा। अच्छा अभी ग्लास बीड ब्लास्टिंग ऐसा है कि एकदम माइन्यूट ग्लास का पार्ट ग्लास का स्प्रे अच्छा थ्रू अ नोजल वाया कंप्रेसर। सो दैट इज दैट एंड देन मूविंग ऑन टू द रिम्स। रिम्स तो RCV की ही है उसके ऊपर तो एक स्पेशली वीडियो बनाया ही था एंड आई नो गाड़ी थोड़ा गंदा है डू नॉट कोट अस बराबर क्योंकि अभी हम लोग वो जोन में ही नहीं है कि इसको मतलब साफ सफाई रखे मेन अभी करने का कुछ सीन ही नहीं है अभी फिलहाल मेरे को उसको ऑन रोड अभी भी आप लोग ऐसा अगर वीडियो में देखा रहेगा ना कि गाड़ी सही से चल नहीं रहा है बिकॉज एक उसका सिलेंडर मिसफायर कर रहा है द रीजन बीइंग उसका एक प्लग जो है हेड में से वो बार बार उड़ जा रहे हैं। अच्छा आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दैट अभी उसका टाइमिंग मेरे को जहाँ तक के पता है उसका टाइमिंग मैच नहीं है अभी तक। अच्छा तो मेरे को उसका टाइमिंग सबसे पहले तो मैच करने गए और ऐसा कोई ट्यूनर मेरे को चाहिए जो एकदम स्पेसिफिक थरर काम कर सके बराबर तो अभी फिलहाल तो और कार्बोरेटर्स वगैरह तो सब एकदम प्रॉपरली ट्यून्ड है खाली हेड से प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर गाड़ी मिसफायर कर रहा है। अभी आपने सुना रहेगा ऐसा फट फट करके वो करता है वो हम लोग ने पिछला बार वीडियो में भी देखा ही था। सो या अभी इसमें पीछे आप लोग देख सकते हैं एयर फिल्टर भी नहीं है उसका कनेक्शन अंदर ही रहता है एंड ऑयल फिल्टर चालू है या प्रीमिक्स पे प्रीमिक्स पे ही चल रहा है अभी भी। सो ऐसा कुछ कंडीशन है गाड़ी का एंड हेडलाइट भी गायब है इसका क्योंकि वही है अभी कॉस्मेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा जितना है सब मैकेनिकल पे ही काम चालू है एंड जितना वो सब काम चालू रखना इज एसेंशियल भाई बिकॉज़ कैसा है ना कि अपना भी वही फॉर्मूला है पहला परफॉर्मेंस उसके बाद में हाँ कॉस्मेटिक्स बराबर गाड़ी पहले चले तो सही से अगर गाड़ी चली नहीं रहे सही से तो फिर उसको बाकी का काम करके एंड एंड और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ RD एक ऐसा बाइक है जिसका कॉस्मेटिक्स भी इतना महंगा है कि मतलब यू विल बोलता है ना तुम्हारा एक किडनी हार्ट तुम्हारा जा सकता है उसके अंदर R3 अफोर्ड कर सकता हूँ ब्रांड न्यू आराम से जितना में मतलब इसमें खर्चा हुआ है और जितना में खरीदा है अभी तक सिर्फ एक अंदाज के लिए अगर मैं बताऊँ ना इसका किक अभी जा रहा है 5,000 to 6,000 तक आई गेस जाता रहेगा ना इसका किक किक नहीं 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 इतना एक्सपेंसिव नहीं है अभी आफ्टर मार्केट किक्स भी मिलता है बट हाँ अभी समन एज अ ओरिजिनल हाँ US पे किक तो वो इजीली इट गोज अबाउट 5-6,000 बराबर
तो ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं किक का अगर उतना प्राइस है तो बाकी सब पार्ट्स का तो कितना ही प्राइस रहेगा। फिर उसमें अभी एक बहुत ट्रेंड में चालू है यूएस पैक वाला ओडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर जो भी बोलते हैं इसको, एंड ये तो गाड़ी के साथ में ओरिजिनल आया था तो इसको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बहुत लोग रहते हैं शौकीन जिनको चाहिए यूएस पैक वाला। अच्छा, अगर समझो इसमें यूएस पैक वाला डालने का रहेगा तो डाल सकते हैं तो वही बात है कि वो भी एक चीज अगर समझो किसको लेने का तो वो भी एक कॉस्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं। एंड बहुत कुछ है इसके अंदर, पेंट है एंड सिर्फ यूएस पे एक मीटर ही अगर कोई लेने को जाएगा बंदा, यूएस से ला रहे तो बात अलग है, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। बाकी अगर ऐसा खरीदने को जाएंगे किसी के पास, आज बहुत सारे सेलर्स हैं जो लिटरली किडनी प्राइस मांगते हैं, ओके मीटर का फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट गो टू सी पीपल आर आस्किंग लिटरली 15,000 से 20,000 रुपए सिर्फ मीटर का। भाई मैं फिर भी कम बता रहा हूँ, अभी एक सिर्फ एक अंदाज के लिए बताऊँ, ड्यूक 390 का मीटर 25,000 का आता है, डिजिटल है वो भी, LCD वो TFT स्क्रीन है, TFT स्क्रीन है, तो सोचो TFT स्क्रीन है, वो इतना धासु मीटर रहने के बावजूद वो 25,000 का है, 25,000 का, और ये तो एनालॉग है, तो सोचो इतना ये सब इसमें पार्ट्स का पता है दोस्तों, पैसा है उस यामाहा का लोगो, बराबर बराबर वो सामान का और उसका यूनिकनेस का, एंड वो भी एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में सीट हो गया, सीट भी इसका 5-6 हज़ार तक सीट जा रहा है, एग्जॉस्ट तो अलग ही चीज है, आफ्टर मार्केट, अच्छा वो नॉट ओरिजिनल, तो आप लोग ओरिजिनल सीट में तुम एक विदर पेपर RX खरीद सकते हैं भाई साहब, सिर्फ सीट। ओ भाई, एंड भाई के गाड़ी में ये RD का 350 यूएस पैक वाला एग्जॉस्ट है, तो भाई अगर उनको चाहिए तो वो प्राइस रिवील कर सकते हैं, नहीं तो भाई मैंने 30,000 रुपये का लिया। ओके तो समझ जाओ अभी तक इतना एक अंदाज लगा लो कितना खर्चा हो गया रहेगा, उठा ले सकते नहीं तो मेरा तुम लोग को दिखेगा, इधर 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 दिखेगा दाग के इधर। एंड भाई और एक अपना जो ऑडियंस लोग है समझो किसके पास RD रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा, तो उनको एक सजेशन क्या, मतलब कि अगर समझो ये गाड़ी ले रहे तो उनको क्या सोचना चाहिए? I'm ready to buy. वो तो है ठीक है, लेकिन फिर भी एक ऐसा, हाँ एक टिप अगर देने का रहेगा तो दर्द देने का हिसाब नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट में बहुत ट्रेंड हो गया है इसका, तो तुमको क्या लगता है कि मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा लोगों को टिप याद रखना चाहिए कि मतलब उनका घर नहीं बिक जाए इसके चक्कर में? कैसा है, मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करेगा कि मतलब गाड़ी के पीछे पागल मत हो जाओ यार, अभी मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को, मतलब उनको कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, भाई घरदार नहीं कुछ नहीं, बस गाड़ी, अभी गाड़ी मेरा एक काफ़ी हद तक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मेरे को लिटरली बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, बट देन आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इट बैक टू नॉर्मल। अभी आप लोग को शायद पता भी रहेगा मैंने रिसेंटली एक RX-Z बेचा मेरा, तुम्हारा रेड वाला ना, गाड़ी बेचने का कोई मेरा मन नहीं था, रेड वाला ना, उसको बना के मैंने मतलब मेरे को रखने के हिसाब से मैंने बनाया था, बराबर, बट अभी यार ऐसा है ना कि मैं फिर अगर उसको नहीं बेचता तो मैं इसको बना नहीं पाऊँगा, बराबर अभी मुश्किल से मैंने फिर भी काफी जो जितना पैसा बचा पाया उसको मैंने बचा के सब सामान वामान लेके अभी भी इसमें बहुत काम है, बहुत काम है अभी भी। इसका सिर्फ डिस्क असेंबली मेरे को कुछ ऑलमोस्ट 40-45,000 तक पड़ गया है, बराबर, तो आप लोग समझ जाओ 40-45 का ये, 30 का वो, एंड बाकी तो मैं गिन भी नहीं रहा है कि उसमें क्या क्या गया रहेगा उसको ट्यूनिंग वगैरह करने के लिए। और तो भाई लोग सरप्राइज आप लोगों को ये है, अभी इंजन उसका पूरा मतलब रेस्पेक नहीं बोल सकते, बट एकदम टॉप क्लास इंजन मेरा बनाने का प्लान चल रहा है, प्रोएक्स का मैंने कॉनरॉड लिया है, अच्छा प्रोएक्स का पिस्टन्स लिया है, और वो भी सब मेरे फ्रेंड ने ला के दिया, कोई ऐसा ऑनलाइन खरीदने को मैं गया नहीं है, और क्या बात है, ओनली सस्ता मोड्स। चलो ठीक है, लेकिन अच्छा तो दिख रहा था, हाँ हाँ कंटिन्यू। सो ये सब चीज़ें हैं, अभी उसके ऑयल सील्स यूएस से मंगाए हैं, वो अभी नेक्स्ट बैच में आ रहे हैं, अच्छा। पिस्टन और कनेक्टिंग रोड तो तुमको दिखाया था मैंने, बराबर, वो बराबर, आ गया अपने, हाँ, हाँ, हाँ। अब पिस्टन और कनेक्टिंग रोड आ गया, उसके ऑयल सील्स बाकी है, बेयरिंग्स बाकी है, HIC के उसके ओरिजिनल बेयरिंग्स मंगाए हैं यूएस से,
और फिर उस अभी कोएटो का हेडलाइट आता है, ओरिजिनली यूएस पैक में कोएटो करके एक ब्रांड है, अच्छा, जो जापानीज ब्रांड है, उसका हेडलाइट आता है। ओके, वो हेडलाइट लाके दे रहा है मेरा फ्रेंड मेरे को। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज जो बंदा मेरे को लाके दे रहा है ना, उसके खुद के पास आरडी है, तो उसको पता है क्या लेना है। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब उसका आइडिया है उनको, तभी जाके वो उतना इन्वेस्ट कर रहा है। और क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, पार्ट्स बहुत महंगा है, तो उसमें चांसेस आप बिल्कुल नहीं ले सकते कि मैं कुछ ऐसा रैंडम पार्ट उठा के लेके आ गया एंड एक्सपेक्ट करेगा कि वो लग जाए, ऐसा वर्क नहीं करता है। तो वो एक चीज़ का आप लोगों को हमेशा ध्यान रखने का है कि क्या सामान खरीद रहे, कौन खरीद रहा है और कितने में खरीद रहे। आप लोग को ये चीज़ बता देता हूँ फॉर अ हेड्स अप, ये डिस्क असेंबली का सिर्फ सेटिंग करने के लिए हम लोग को महीना गए, मतलब रोज उठ के बंदा यही देख रहा है कि इधर से बैठेगा, उधर से बैठेगा, किधर उसका प्लेट बिठाने का, किधर बुश बिठाने का, अल्टरेशन वाला काम है, डायरेक्ट फिट नहीं था। अल्टरेशन भी अगर तुम उनको अपने पब्लिक को दिखाओ, ये जो चीज है ना, ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए इतना हम लोग को मगजमारी गया भाई, बिकॉज आप लोग अगर अंदर के बाजू से देखेंगे ना, इधर एक बुश लग रहा है, ठीक है, ये पूरा अंदर जाता है, ये पूरा का पूरा अंदर जाता है, पर इसको बाहर इसलिए रखा है ताकि प्लेट को पकड़ के रख सके। बराबर, अभी इसको मैं पूरा अंदर ले लूंगा तो फिर मेरा प्लेट बैठेगा, प्लेट बैठेगा नहीं, या तो फिर मेरे को प्लेट के नीचे इधर, ये अगर आप सेक्शन देख रहे हो ना, इधर मेरे को एक प्लेट बनाना पड़ेगा ताकि इसको मैं बाहर इसको मैं बाहर ले। हाँ, बराबर, तो इतना सब इसमें अल्टरेशन घुसता है भाई लोग। तो वही है यार, बहुत आरडी सिर्फ बोलने के लिए लगता है, आरडी 350 है, 4 लाख में मिल जाता है, लेकिन भाई काम बहुत लगता है इसके अंदर एंड परफेक्ट करने के लिए। तो ये सब चीज बिना मेहनत के कोई करके दिखाए ना यार, नहीं हो सकता है। उसने बहुत दुनिया भर बहुत मतलब सोर्सेज जितना है उससे ज्यादा दिमाग भी है, बस पैसा खर्चा कर दिया, बहुत सारा पैसा है, पैसा खर्चा कर दिया, इट डजंट वर्क, नहीं वैसा नहीं होता। उसके पीछे लिटरली तुमको दिल जान सब लगाना पड़ता है, जब जाके ये रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है। अभी थोड़े पूछ रहे थे ना, प्लेट गर्म हो रहे, चेक करो क्या, हाथ लगा के देखे। अब इतने से राइड में भी ना लोगों के गाड़ियों के प्लेट्स गर्म हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसका सेटिंग बराबर हुआ नहीं रहता, कैलिपर जाम रहता है, ब्रेक पैड जाम रहते हैं, वो सब मगजमारी रहते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज लिटरली सिर्फ प्लेट फ्रीली घूम रहा है, ये देखने के लिए हम लोग को कम से कम महीना भर गए। एग्जैक्टली, तो समझ जाओ कितना परफेक्ट वाला काम हुआ है इसके अंदर। एंड बाकी तो और भी होने वाला है कुछ ना कुछ अभी। एंड अभी तक अपन क्या बोलते हैं, कितना परसेंट गाड़ी रेडी हो गए? अभी 30% भी नहीं हुआ है भाई। अच्छा, 30% भी नहीं हुआ है, तो अभी लंबा सफ़र है। तो क्या लगता है 23 में बन सकता है या 24 जाने वाला है? 24 में उड़ी मार देगा लगता है मेरे को, 24 तक जाएगा भाई, 24 तक जाएगा। लेकिन ठीक है, कैसा है ना कि कितना भी कुछ भी रहने दो भाई, मैं जॉब करता है यार, मैं ऐसा बिजनेसमैन नहीं है कि एक ही बार में मतलब पूरा बन जाएगा गाड़ी। एंड देखा जाए तो अगर सब सामान भी लेके आ गया तो वो एक झटके में बनने वाला चीज़ है भी नहीं। नहीं 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 भाई, कि अपन ऐसा सोचते हैं ना कि सब सामान ला के दे दिया, बना दो, चलो, ऐसा होता भी नहीं है। पहले बार लोग बोलते ना कि कोई ऑर्गन एक बार जल्दी ऐसा पलटी हो जाएगा भाई, फटक करके डॉक्टर को पैसा दे दे, ले भाई चल ला किडनी ला। हाँ, ये वैसा सिस्टम, सिस्टम ही नहीं है। तुम पैसा भले दे देगा, पैसा तुम्हारे पास भले रेडी है, सामान क्या करेगा? सामान एग्जैक्टली। अभी तुम सिर्फ सोचो ना, कैलिपर के लिए मैं ऑलमोस्ट 3 महीना रुका है, वो भी मेरे दोस्त के पीछे पढ़ पढ़ के उसने उसका दिमाग लगाया कि भाई अपने गाड़ी को कौन सा कैलिपर सूट होएगा, वो हिसाब से ये कैलिपर अपने पास आया है। नहीं तो तुम सोचो ना, वो पब्लिक लगा देता है बाइबर वीबर का कैलिपर, भाई ले जा लगा दे, लगा ले तेरा काम, लगा ले वाला सिस्टम अगर हो गया तो फिर वो ऐसा थुप्पट्टी काम चाहिए नहीं था। अभी इसको ऐसा कोई करके बताओ ना भाई, अपने को देख लेते हैं, करने वाला ना करने वाला कर भी दे, बट देन उसके पीछे ना हर एक का दिमाग अलग वे में चलता है। बराबर, ये सेम सेटअप भी दूसरा किसको दे दिया तो वो अपना अलग दिमाग लगा के और कुछ बना भी सकता है उसको, क्यों नहीं। सो भाई लोग, यही था आज के वीडियो में, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहेगा आरडी का Part 4। एंड भाई भी अपना चैनल बहुत ही जल्दी खोलने वाले, तो कोशिश, पब्लिक पूछ रहा है कभी तक चैनल बनेगा तुम्हारा, क्या कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। भाई का चैनल का नाम नहीं बन रहा है अभी तक, उनको जरा नाम भी सजेशंस में डालो जरा। एंड देखते हैं भाई का भी चैनल चालू हो जाएगा जल्दी, तो अपन भी फटाफट फिर राइड्स में निकलेंगे, उनका भी वीडियो पे चैनल पे वीडियोस आएगा, आएगा। देखते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अगर सब सही रहा तो होएगा, होएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इतना सब कुछ हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, वी होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर दैट फ्रिकिंग डैम हेलमेट।